आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें ओपीडी और वार्ड में भर्ती मरीजों को अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। सरकार द्वारा जूनियर डॉक्टरों की मांग नहीं मानी गई तो इमरजेंसी सेवाएं भी बहुत जल्द बंद कर देंगे। एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर चिकित्सकों की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, उन पर अपने काम का भी प्रेशर है, साथ में स्टैक पेपर भी वो लोग दोबारा से आ गए हैं। पहले 27 नवंबर से उन्होंने शुरू की थी, अब 18 दिसंबर से उन्होंने दोबारा से शुरू किए। सरकार को ने एक हफ्ते का वक्त दिया था, मांगे पूरी न होने के बाद दोबारा से उन्होंने हड़ताल शुरू की। बात करेंगे जूनियर चिकित्सकों से, आखिर क्या मामला है उपाध्याय जी, बताएं क्या है, क्योंकि सरकार क्यों नहीं मान रही, आपने एक हफ्ते का वक्त भी दिया। सरकार का बहुत ही मतलब पता नहीं क्यों इतना इनएक्टिव मोड है। हमने सिर्फ इतना सा छोटी सी मांग रखी है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए और उसके लिए हमें कोई एक रिटर्न अश्योरेंस दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए अपनी तरफ से। वर्बली बहुत सारे दे दिए उन्होंने और पिछली बार भी हमने जनहित में अपनी स्ट्राइक को सस्पेंड कर दिया था कुछ दिन के लिए, सो दैट गवर्नमेंट पे भी टाइम हो अपना एक्शन लेने के लिए। हम मानते हैं सब जुडिस मैटर है, पर गवर्नमेंट ने 6-7 दिनों में अपनी तरफ से भी कोई स्टेप नहीं लिया, कोई रिटर्न अश्योरेंस नहीं है, कोई डेट के लिए कुछ भी अपील फाइल करने का कोई रिटर्न रिट नहीं है हमारे पास। तो पीजी काउंसलिंग मतलब आखिर मतलब समस्या कहाँ आ रही है, मतलब ये आपको कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी हेयरिंग बहुत लंबी लंबी पड़ रही है, क्यों ऐसा, मतलब सरकार और कोर्ट दोनों ही, मतलब क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जिसे तुरंत ना दिया जाए तो किसी इंसान की मौत भी हो सकती है, इसकी गंभीरता को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही। अब सरकार का वही एक तो फंड है, ये समझ में नहीं आता, जब आप एक किसी एग्ज़ाम के लिए आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो आपको उसके एग्ज़ाम, जब कोई आदमी उसके लिए पे कर रहा है एग्ज़ाम के लिए और वो फॉर्म भर रहा है उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए वो बाध्य है, आप उसको वही बाध्य हैं जो आपने लिख के दिया है। आप एग्ज़ाम के बाद अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, फिर उस पर जब ऑब्वियसली आदमी उसको खिलाफ बोलेगा ही, आप किसी और मोड में तैयारी करके गए अपने एग्ज़ाम के लिए और आप सडनली आपसे वो चीज़ छीन ली जाए तो उसके खिलाफ आदमी बोलेगा ही, और लीगली फेयरली बैटल है, ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कुछ गलत तरीके से बोला गया करा गया, हमेशा गुडविल में काम चल रहा है। सारी जो स्ट्राइक भी है वो पेशेंट की हेल्थ केयर वगैरह देख के करी जा रही है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से वो कोई रुख ऐसा नहीं दिखाई देता कि उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम को अभी भी कोई इम्पोर्टेंस दी जा रही है उनकी तरफ से। और भी जूनियर चिकित्सक हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। 18 दिसंबर से आपने जो स्ट्राइक चालू किए तो अब क्या, कैसी रणनीति आपने बनाई, किस तरीके से करेंगे आप लोग? रणनीति हमारी वही पहले की तरह है, हम लोगों ने कोई भी सडन एकदम से कोई बहुत स्ट्रांग मूव नहीं लिया है, हम लोगों ने वही अपना एस्केलेशन सोचा है। पहले हमने ओपीडी आईपीडी से अपने सर्विसेज विड्रॉ करी हैं, यही हमारा पहले भी मोटो था कि ग्रेजुअल एस्केलेशन का। इसका रीज़न यही है कि हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई सडन प्रेशर पड़े या पेशेंट केयर में ज़्यादा इफेक्ट आए, हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज होकर हमारा प्रोटेस्ट भी चलता रहे और गवर्नमेंट के पास वो इम्पैक्ट भी जा पाए, इसलिए हमारा एस्केलेशन फिर से बहुत स्मूथ है। हम लोग पहले ओपीडी आईपीडी सर्विस से विड्रॉ किए हैं, लेकिन अगर कोई रिस्पांस अभी भी नहीं दिखता है तो हमारा फर्दर एस्केलेशन यही होगा कि हम लोग को इमरजेंसी सर्विस से विड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड अगर आगे नहीं होता आगे जाके हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट भी करेंगे फिर सर्विसेज को। और भी जूनियर चिकित्सक हमारे साथ में, ऐसे 18 तारीख से आपने दोबारा से आपसे शुरू किए स्ट्राइक, इससे कोई मरीजों पर फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी तो हमारा ये कोशिश है कि मरीजों को फर्क ना पड़े, क्योंकि अभी GR3 हमारे काम कर रहे हैं, SR काम कर रहे हैं, इंटर्न काम कर रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर उनको भी विड्रॉ किया जाएगा तो फिर थोड़ा उसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। शांति की भाषा ना तो सरकार को समझ में आ रही ना कोर्ट को समझ में आ रही, इससे पहले भी आप 27 नवंबर से आपने शुरू की थी तब भी शांतिपूर्ण तरीके से आपने जो है अपना धरना प्रदर्शन किया था और गांधी जी की मूर्ति लगा कर भी आपने अपने शांति का संदेश भी दिया, फिर भी इस चीज़ को मतलब हल्के में क्यों लिया जा रहा है? हल्के में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर फोकस नहीं कर रही है, वो अभी चुनाव मूड में है। दूसरा ये है कि अगर पहले वो तो बोल चुकी थी एक बार, हमें वो दे चुकी है गवर्नमेंट आश्वासन कि हम कर देंगे, तो हम लोग इसलिए उस सर्विसेज रिज्यूम किए थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एक हफ्ते बीत गए लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके, तो हम लोग दोबारा से इसलिए स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं ताकि अभी तो हमारा इनिशियल स्टेज है तो थोड़ा सा जैसे हम लोग मतलब उतना सब कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ओपीडी आईपीडी से विड्रॉ किए हैं, आने वाले टाइम में 1-2 दिन में हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज भी विड्रॉ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, तो तब फिर गवर्नमेंट में फर्क पड़ेगा। अभी तो मान लो इनिशियल स्टेज है, थोड़ा गवर्नमेंट हो सकता है कि अब ऐड करे, सोचे कि ये लोग 2-4 दिन में हट जाएंगे या फिर वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक कि हमारी बातें नहीं मानेंगे हम बैठे रहेंगे। इस बार हमें रिटर्न में चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अगर आगरा के अलावा मतलब कहाँ कहाँ स्ट्राइक अभी चालू हुई है, मतलब आपने आज ही शुरू किया या और जगह पहले शुरू हो चुकी है? स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे RML हॉस्पिटल हो, GB पंत हॉस्पिटल हो, एम्स दिल्ली हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ के सारे रेजिडेंट, सारे SR
अपने कार्य से बहिष्कार कर चुके हैं। वहाँ पे तो मार्च चल रहा है, अगर आप न्यूज़ मीडिया वगैरह में देखेंगे, आप लोग दिखाएंगे भी, वहाँ पे सारे रेजिडेंट हड़ताल पे चले गए हैं। दिल्ली की यहाँ के यूपी कॉलेज की स्थिति मैं बता सकता हूँ। यूपी में एसएन मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट है वो हड़ताल पे हैं, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के भी हड़ताल पे हैं, जीएसबी मेडिकल कॉलेज की हड़ताल पे हैं, और मेरठ में चार पाँच कॉलेज हड़ताल पे हैं इस टाइम पर। अभी हमारे पास लगभग 45 से 50 हज़ार डॉक्टरों की कमी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ। हम लोग 1.5 साल से काम करते करते थक चुके हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम लोग 18 से 24 घंटे सेवाएं अभी भी दे रहे हैं, इससे तो जनता की जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो तो प्रभावित होंगी, ऑब्वियसली प्रभावित होंगी, इसमें कहने की क्या बात है। ये वो जूनियर चिकित्सक हैं जिन्होंने कोविड की पहली वेव भी देखी, सेकेंड वेव भी देखी, फिर उसके बाद डेंगू का प्रकोप देखा, जहाँ प्राइवेट अस्पतालों में बिल्कुल जगह नहीं थी, मरीजों को यहाँ पर लगातार भर्ती किया जा रहा था, फिर भी सरकार उनको जो है उनकी समस्या सुन नहीं रही है, ना ही कोर्ट में ये मामला चला गया है। दोबारा से उनको जो है 18 दिसंबर से दोबारा से वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। अगर सरकार की अगर एक दो दिन में बात नहीं मानी तो वो पूर्ण तरह कार्य बहिष्कार करेंगे और एसएन मेडिकल की जो इमरजेंसी सेवा भी ठप कर देंगे। कैमरामैन अनूप बघेल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।